एंट्री के साथ साथ आपकी जो आपका जो परमिट है लद्दाख में, ले रीजन में घूमने का, वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। अगर पता नहीं खत्म डेड एंड है। ड्राइव केयरफुली, एक्सीडेंट। ओ भाई साहब, सारा पानी था जो पहाड़ों से निकल रहा था, देखो कैसा लग रहा है, नार्निया मूवी का सीन लग रहा है। अलग से फॉल देखो कैसे जमे पड़े हैं। ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम है यार, जितने मर्जी बेबी स्टेप रख रहा हूँ। यही पॉइंट है खरदुंगला का। सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम ले, फाइनली गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले सिटी। कल रात को हम पहुंच चुके थे ले में और अभी मॉर्निंग हो चुकी है, नहा धो के निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 10:15, तो ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। आइटनरी में थोड़ा सा चेंज है, पहले हम सोच रहे थे कि हम जाएंगे यहाँ से टुकटुक, नुब्रा वैली, त्याक्षी, धान सारा घूमेंगे, बट आइटनरी बनाने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे आपको पता है ट्रैवल करने में बहुत बहुत मेहनत लगती है, यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत मेहनत लगी है, तो एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा चेंज करके ये सोच रहे हैं कि डिस्केट रुक जाए, वहाँ मॉनेस्ट्री घूम लें, एंड हुंडर जो कि एक रेगिस्तान जैसा है जहाँ पे कैमल वगैरह हो सब कुछ देखते हैं, यहाँ के एनिमल्स वगैरह जो हैं स्पेशली आप राइड कर सकते हो उस रेगिस्तान में, जो हुंडर एक डेजर्ट है, तो वो कर लेंगे कवर। वहाँ रुक के दिन कल का जो भी प्लान होगा देखेंगे, पेंगोंग या फिर टुकटुक का कुछ ना कुछ तो स्किप करना पड़ सकता है क्योंकि हमारी आइटनरी के अकॉर्डिंग दिन कम पड़ रहे हैं। अब जल्दी से चलते हैं, पहले आप रूम का एक बार टूर देखो। मुझे रूम्स बहुत पसंद आते हैं, ऐसे स्पीति में भी थे। आपको यहाँ पे शूज़ वगैरह बाहर उतारने पड़ते हैं, इससे पहले वाले में भी बाहर उतारे थे जहाँ हम रुके थे पदुम में। ये देखो नीचे पूरा कारपेट बिछा होता है, रूम पूरा कोजी होता है। हाँ ये देखो पूरा वुडन का काम हो रखा होता है और ये नीचे कारपेट है। वॉशरूम भी ठीक था, डिसेंट था, पानी गर्म मिल जाएगा आपको, डिसेंट सा रूम है, ज़्यादा लग्जरी वाला नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा बेडिंग करा ली थी। तो ये रूम हमें पड़ा है मेन ले सिटी के अंदर 1500 रुपये का, 3 लोगों के लिए, विच इज़ गुड मेरे हिसाब से, क्योंकि ले सिटी महंगा है थोड़ा। यहाँ से 2 से 5 मिनट की दूरी पे है ले मार्केट, जो हम कल रात को गए थे, ज़्यादा दूर नहीं है। दिन के टाइम पे ट्रैफिक होगा तो आपको लग सकता है क्योंकि वहाँ कार पार्किंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, है नहीं मतलब कार पार्किंग। तो अभी चलते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट लग रहा है, फिर निकलेंगे, ऑलरेडी लेट है, बैक पैकिंग हमारी हो ही चुकी है, आओ चलते हैं ब्रेकफास्ट भी देखते हैं। ये देखो कैसे तकत पे बैठ के आमिर खा रहा है, जैसे किसी घर पे आया, मेहमान नवाजी चल रही है ना भाई। कितना प्यारा लुक लग रहा है देखो किचन का, जहाँ आपको बैठ के खाना खाना है। होय होय मज़ा ही आ गया यार, बाहर देखो ऐसे गार्डन सा। सो गाइस हम निकल रहे हैं अब खरदुंगला पास के लिए। जैसे मैंने आपको अपनी आइटनरी बताई, इसमें थोड़ा चेंज है। ये हमारा होटल था जो हमने कल रात को लिया था, गोल्डन पैलेस लद्दाख। यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं पंजाब से, पाजी आए हुए हैं, ये हमें मिले अंदर, हमने इनसे बैठ के बात करी। ये वाया श्रीनगर आए हैं और ये दिक्कत होती है यार हमारे साथ हमेशा, सामान देखो गाड़ी में आप कितना है, देखने की जगह तो है नहीं, बट जहाँ से एक सामान निकालना पड़ता है सारा तो निकालते नहीं हम। जैसे रूम में कहीं जाते हैं तो जैसे अपना अपना बैग निकाल लिया तो उसको रखने में दिक्कत आती है क्योंकि वहीं दोबारा से फिट करना पड़ता है। अब गाड़ी को भी कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर स्टार्ट कर दिया और सामान दोबारा एडजस्ट करते हैं। तो फाइनली अपना पूरा सेटअप करने के बाद गाड़ी में 25 मिनट के बाद सारा सेटअप कर दिया है, दोबारा से सारे बैग्स वगैरह रख दिए हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं खरदुंगला पास, जो कि एक टाइम पे हाईएस्ट मोटरेबल पास था लेकिन अब उससे ऊपर बन चुका है उमिंगला पास। तो अभी का इन्फॉर्मेशन, अभी का अपडेट ये है कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आमिर क्या है टेम्परेचर बाहर का? भाई बाहर का टेम्परेचर 23 डिग्री है। मैंने फुल जैकेट जो ये पुल ओवर पहना हुआ है, हुडी पहनी हुई है, सिर्फ इसलिए पहनी है क्योंकि खरदुंगला पे बहुत तेज़ हवा चलने वाली है, चल रही होगी क्योंकि बहुत हाइट पे है, वरना इस टाइम पे आप एसी के बिना यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। सनस्क्रीन लोशन वगैरह सब लगा के जाना अगर आप जा रहे हो तो। यहाँ राइट में जाके मार्केट है ले की, जो मैंने आपको दिखाई थी, और रात को अच्छे से दिखा नहीं होगा। और ये यहाँ पे चर्च है, मोराबियन चर्च, ये भी अच्छा बना हुआ है काफ़ी। और यहाँ पे बस दिन के टाइम पे थोड़ी कार पार्किंग की दिक्कत है, ट्रैफिक बहुत हो जाता है, और सच बताऊँ तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। निकले तो 10:11 थे, इस टाइम पे 12:10 हो रहे हैं, हम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गए। एक्चुअली डीजल फुल करा लिया और गाड़ी में एडब्लू डलता है वो भी डलवा लिया क्योंकि ऐसा ना हो आगे चल के दिक्कत करते कुछ भी, और ऊपर कोई फ्यूल पंप भी नहीं है। तो हम सीधा आ चुके हैं खरदुंगला वाली चढ़ाई पे, यहाँ से सीधा ये देखो आपको दिख भी रहा होगा चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से दिखा रहा है 124 किलोमीटर खरदुंगला पास, और हम पहुँचेंगे लगभग 3:35 के आसपास। चलते हैं जैसे सिटी का ट्रैफिक क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको टाइम लैप्स भी इंजॉय कराऊंगा और सारे के सारे व्यूज भी दिखाऊंगा क्योंकि अब तो मेन खरदुंगला पास आने वाला, जर्नी स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स खरदुंगला। तो गाइस फाइनली हमारी खरदुंगला की चढ़ाई हो चुकी है स्टार्ट,
थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे क्योंकि बाइकर्स बहुत सारे हैं और मतलब 15-16 बाइकें एक साथ निकली यहाँ से। आई थिंक यहाँ पे चेक पोस्ट भी आएगा जहाँ पे एंट्री करानी पड़ेगी, आई थिंक सो, पता नहीं अभी, बाकी देखते हैं। मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ एक बार। जैसे मैं आपको बता रहा था अभी यहाँ पे एक चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पे एंट्री होगी। वहाँ पे एंट्री के साथ साथ आपकी जो आपका जो परमिट है लद्दाख में लेह रीजन में घूमने का वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बनवाया तो 30 किलोमीटर वो हमारा बना है 1500 रुपये का क्योंकि हम 3 लोग थे। 400 रुपये तो आपकी एनवायरमेंटल फीस है, वो तो फिक्स है, वो तो जाएगी जाएगी। बाकी जितने रोड्स का आप परमिट लोगे उसके हिसाब से है वो। तो 1500 रुपये का बना है हमारा तीन बंदों का, आज से लेके मतलब 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक का है ना, मतलब 5 दिन का। तो 500 रुपये मतलब पर हेड के हिसाब से पड़ गया हमें परमिट भी, तो हमने उन्होंने जाने दिया हमें। और परमिट आपका हर जगह चेक होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी रखनी है, आप उसकी सॉफ्ट कॉपी फ़ोन में भी रख सकते हो तो वो भी चल जाएगी। तो अब चलते हैं, देखो रोड का पूरा टेरेन चेंज हो गया है और अब मज़ा आने वाला है। गंदगी देखो हमें कैसे फैला रखी है यार, इसलिए तो गुस्सा आ रहा है। अरे हम जैसे लोग करते हैं। रोड कितनी छोटी है, यहाँ से निकलते हुए आर्मी के ट्रक भी निकल रहे हैं और आपको साइड लगानी पड़ सकती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी स्टार्ट हो चुकी है, बोलते हुए फील हो रहा है। कोई कम बात नहीं है यार, 18,000 से भी ऊपर की फुट की ऊंचाई पे आप जा रहे हो तो जितना मर्जी बॉडी एक्मेटाइज हो गई हो बट थोड़ा तो फील होगा ही आपको। देखो हर मोड़ पे यहाँ पे आर्मी के ट्रक चलते हैं। अच्छी खासी हाइट पे है गाइस इस टाइम पे हम, अच्छी खासी, ये देखो। पर यहाँ पे भी आपको LPG का बोर्ड जरूर मिल जाएगा, इंडियन ऑयल का। भाई साहब क्या व्यू है, देखो सामने से क्लियर व्यू, क्लियर, जिसके लिए आप 10,000 रुपये खर्च करते हो ना हिमालयन रेंज दिख जाए उसी पे पहुंच रहे हो। बट यहाँ से देखो क्या क्लियर व्यू है यार, ये देखो। और यहाँ पे देखो मिट्टी वाले पहाड़, ऐसा लग रहा है आप इजिप्ट में चला रहे हो, कहीं कहीं से भी मम्मी उठ जाएगी। मम्मी इजिप्ट में ना, मम्मी इजिप्ट में ही है भाई। टेरेन ही चेंज हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, बर्फ से फिर मिट्टी, फिर मिट्टी से फिर बर्फ। वो देखो सामने, आई थिंक ऊपर कहीं जाना है हमने। देखो ऊपर से दिख रहा है आपको, वो है खरदुंगला, यानी खरदुंगला पास। और अब हम जा रहे हैं और यहाँ पे आई थिंक कैंप्स वगैरह बने हुए हैं और ये कोई आर्मी के कैंप्स हैं। बाइकें भी रुकी हुई हैं यहाँ पे, आई थिंक छोटा सा आप स्टॉप भी ले सकते हो, बाकी देखते हैं चल के। साउथ पुल्लू करके ये जगह है जो आ चुकी है और बहुत सारे ही बाइकर्स यहाँ पे रुके हैं, आई थिंक कोई ट्रैफिक सा लगा हुआ है। हमने साउथ पुल्लू पार कर दिया है जो आपको भी दिखाया था। साउथ पुल्लू वहाँ पे गाड़ी की एंट्री होती है, कितने लोग आ रहे हैं वही सेम चीज़, गाड़ी का नंबर, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, आज कहाँ से आ रहे हो वो भी लिखना होता है। यकीन मानो सिर्फ और सिर्फ 4 सीढ़ियाँ चढ़ी थी मैंने, सिर्फ 4, और हालत ख़राब हो गई। ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, गाड़ी से बाहर निकलते ही बात करना बहुत मुश्किल है, इसलिए गाड़ी में वापस बैठ के बात कर रहा हूँ। हाँ इस व्यू के लिए सब जायज़ है। फुट की ऊंचाई पे अभी तो बस हम, और जो खरदुंगला पास है वो 18,000 समथिंग फुट की ऊंचाई पे है, तो अभी भी लगभग लगभग हमें 3,000 फुट ऊपर और चढ़ना है। 18,000 फुट एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा देर मत रुकना। AMS होने के 90% चांसेस हैं, फोटोज़ वगैरह क्लिक कराना और कोशिश करना गाड़ी से बाहर निकल रही हो तो अपना फेस और कान सबसे पहले कवर करना। फाइनली इतनी ऊपर आ चुके हैं कि बर्फ़ मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है जहाँ हमारी रोड पे गाड़ी चल रही होगी उस पे भी बर्फ़ ही होगी, है ना आमिर? अभी देखते हैं अगर BRO और हमारी आर्मी की मदद से वो हट गई होगी तो अच्छी बात है। देखो रोड देखो नीचे यार, मेरे को तो ट्रेन देख के लग रहा है कि कितना बढ़िया वो ट्रेन बना रखा है। वो देखो ऐसे zigzag, पूरा zigzag बना रखा है। तो गाइस मिलो पहाड़ों की रानी से, इसका नाम है पहाड़ों की रानी। 10 किलोमीटर के आसपास बचा होगा रास्ता अभी, और यहाँ थोड़ा रोड ख़राब है, आई थिंक ये लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है, यहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती रहती है, तो अच्छी वाली रोड जो थी यहाँ पे धार्मिक रोड वो भी ख़राब हो रखी है। अगर पता नहीं ख़त्म डेड एंड है, ड्राइव केयरफुली, एक्सीडेंट। ओ भाई साहब, तो आपको दिखाने के लिए उन्होंने डेमो में एक ट्रक लगा रखा है ताकि आप उसका हुलिया देख के समझ जाओ कि यहाँ पे आराम से चलना है। प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। सामने कर दूंगा ना, हाँ वो सामने खरदुंगला है, वो जो बर्फ़ दिख रही है, स्नो काफ़ी है यार ऊपर। हाँ
ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल बराबर में हैं उस पहाड़ के जो हम नीचे से देखते हैं। पानी भी जमा हुआ है यहाँ पे गाइस, ये देखो। तो हमें क्यों गर्मी लग रही है यार, वाटरफॉल जमा हुआ है तो। हाँ ये देखो गाइस, यहाँ से पानी निकलता हुआ है, देखो ये भी जमा पड़ा है पूरा का पूरा, देख रहे हो आप, पानी जमा हुआ है लेकिन पर हमें गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है, फिर से रोड खराब आ गया भाई, वो तो काफी स्टीप है भाई, चढ़ 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 चढ़। ओ भाई साहब, इस देखो गाड़ी चढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। आप गलती से भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, यहाँ ड्रोन अलाउड नहीं है। अगर उड़ा दिया, चाहे आपका 1 लाख का हो या 3 लाख का, उड़ा देंगे, उसको उड़ा देंगे। दूसरा, आपको इंटरोगेशन में रखेंगे, वो चीज अलग है। लैंडस्लाइड सुना होगा, ये स्नो स्लाइड जोन एरिया है। देखो यहाँ पे पूरे के पूरे वाटरफॉल जैसे जो पानी के झरने वो भी जमे पड़े हैं, तो इस पे स्पेशली बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे कि ये स्नो स्लाइड जोन एरिया है। अब देखो सामने से, यहाँ कभी भी स्नो स्लाइड हो जाती है, मतलब पूरा बर्फ के बड़े बड़े जो एक पत्थर टाइप के जो बन जाते हैं ढेर, वो गिर जाते हैं नीचे, और उसी की बदौलत यहाँ पे रास्ता खराब हो जाता है, और उसी की बदौलत यहाँ पे पत्थर भी गिर जाते हैं। देखो साइड में, देखो आप, ये सारा पानी था जो पहाड़ों से निकल रहा था, देखो कैसा लग रहा है, नार्निया मूवी का सीन लग रहा है। अलग से फॉल देखो कैसे जमे पड़े हैं। फाइनली आई थिंक खरदुंगला पास आ चुका है। कहां पहुंच गए भाई हम, लेकिन भीड़ देखो यार कितनी हो रही है यार, इसीलिए बोलते हैं सुबह जल्दी निकलो। यहाँ पे लद्दाख पुलिस है, सब कुछ है, खरदुंगला ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गोम्पा राइट साइड में है। भाई यकीन नहीं हो रहा गाड़ी कहाँ ले आए हैं सच में हम भाई। तो अभी चलते हैं और अच्छे से यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बाहर निकल के पहले गाड़ी पार्क कर दूँ। ट्रैफिक देखो यार आप कितना है यहाँ पे, बहुत बहुत ट्रैफिक। तो यहाँ खाने पीने के लिए हाईएस्ट कैफे खरदुंगला, 18,380 फुट की ऊंचाई पे है। मैंने आपको बताया था ना 18,000 समथिंग फुट है, बहुत होता है यार ये, बहुत यही होता है जब आप बहुत फेमस कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस होती है उस जगह की। बर्फ देखो कितनी है, और हमें कम से कम भी 600-700 मीटर आगे पार्किंग मिली है यहाँ पे, और हम यहाँ लगा रहे हैं और यहाँ से पीछे जाएंगे जस्ट बिकॉज हमें शूट करना है और हमें अच्छे से देखना भी है। हमने गाड़ी यहाँ ऐसे लगा दी है साइड में, यहाँ से लोग आ रहे हैं। ये देखो पूरा बर्फ़ का एक पहाड़, कितनी बर्फ़ है यहाँ पे, और ये देखो ये भी थोड़ा रिस्की है मामला। यहाँ से आ रहे हैं, कच्चा रास्ता है, स्लिप हुआ, नीचे नीचे देखो कितना नीचे तक है, पूरा नीचे बर्फ़ में, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है यार यहाँ तो। यकीन मानो गाइस, ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ठंड नहीं है इतनी, धूप आ रही है तो ठीक लग रहा है, पता नहीं बाद में हो जाती हो। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको, बहुत स्लो स्लो बेबी स्टेप रखेंगे, और मेरे पीछे वहाँ ऊपर चलते हैं, फिर वापस भी आना है। जितने मर्जी बेबी स्टेप रख रहा हूँ, हालत ख़राब हो रही है, 300 मीटर भी नहीं चला जा रहा यहाँ से। यही पॉइंट है खरदुंगला का, जो है 17,982 फुट की ऊँचाई पर, ये हमारा फ्लैग। बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे आके, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे सिर्फ फोटोज खिंचाने के लिए। यहाँ आप स्टिकर नहीं लगा सकते हो, उसके लिए अलग बोर्ड है, वो भी दिखाऊंगा आपको। जल्दी क्लिक कराते हैं और निकलते हैं, ज़्यादा मन नहीं है यार रुकने का, क्योंकि बिल्कुल भीड़ भड़ाका लग ही नहीं रहा कि इतनी दूर आए हैं 1,000 किलोमीटर। ये स्पेशली सिर्फ स्टिकर के लिए बना हुआ है, उस बोर्ड पे नहीं लगा सकते जहाँ पे पहले फोटोज खिंचवाई हमने। कैसा लग रहा है मानसी भाई, अमेजिंग फीलिंग है, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है और थोड़ी भीड़ ज़्यादा है बस, इसलिए थोड़ा मन नहीं है रुकने का। तो भाई देखो ऐसा है, भीड़ बहुत है यहाँ पे, और उसके सारा गुस्सा, पर हम भी क्या पता वो लोग ये बोल रहे हो हमको देख के कि भीड़ है, तो ठीक है, हिस्सा भीड़ से दिक्कत है। अब हो गया, यहाँ दोबारा आने का कोई प्रोग्राम नहीं है, आएंगे तो सीधा क्रॉस करेंगे। यहाँ पे देखो बर्फ़ भी जमी पड़ी है सारी की सारी, पानी भी जमा पड़ा, देखो तलवार कितना कैसे निकल रही है, ये देखो। और ये व्यू है यहाँ का, अमेजिंग नज़ारा है। गाइस दिस इज़ इट, इससे बड़ा ब्लॉग बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मिनट्स में आप देखने में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाऊंगा। तो अगला जो डेस्टिनेशन हमारी रहेगी डिस्किट की तरफ, वहाँ चलते हैं, वहीं हमारा स्टे रहेगा। तो ये ब्लॉग था हमारा ले सिटी से लेके
खरदुंगला तक का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऑक्सीजन की कमी है देखो, फिर भी बाहर आके आपको दिखाया, स्टिकर भी लगाया, सब कुछ कराया, यादगारी अपने के लिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, जीभ लड़खड़ा रही है। और चैनल पर न्यू हो तो बेल बटन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में जो यहाँ से होगा हमारे स्टे के रात तक का, जो आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा, होपफुली वो डिस्किट रहेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।